दोस्तों नमस्कार। बंद कमरे में होटल के अंदर बंद कमरे में अखिलेश यादव से हुई मुलाकात और आपको बताना चाहूंगा बहुत बड़ी खबर है। एक सीट पर 5 दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपको बताना चाहूंगा कि नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद शाहजहांपुर में सपा से टिकट के लिए अब तक 5 दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं। जिला प्रभारी विधायक अनिल वर्मा ने सोमवार को दावेदारों से वार्ता कर जाति समीकरण जाना। निकाय चुनाव में शाहजहांपुर मेयर की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होने के बाद समीकरण बदल गए हैं। बताते चलें कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अब तक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा और महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष गायत्री वर्मा ने आवेदन किया था। सोमवार को जिला प्रभारी विधायक अरमान खान व अनिल वर्मा के आगमन पर 3 नाम और सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक राजेश यादव की पत्नी अंजलि यादव, पूर्व चेयरमैन इकबाल की पत्नी निकहत इकबाल और वरिष्ठ नेता सर्वेश राठौर की बहू माला राठौर ने आवेदन किया है। आपको बताते चले कि जब से लोहियावादी के साथ अंबेडकरवादी का जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने एकजुट करने की कोशिश की, पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ पश्चिमी के विधायक अरमान खान व सीतापुर के लहरपुर से विधायक अनिल वर्मा को जिले का प्रभारी बनाया है। सोमवार को दोनों नेताओं ने यहाँ पहुँचकर नगर निगम की मेयर सीट से लड़ने के इच्छुक दावेदारों से बात की। आपको बताते चले कि होटल के बंद कमरे में आवेदकों से जाति समीकरण के बारे में जाना, उसके समाज हित में किए गए कार्यों पर भी चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि 2 नाम पहले आ चुके हैं, शेष लोग संपर्क में हैं। जिला प्रभारियों को आवेदन दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लखनऊ से नाम फाइनल होंगे। अभी और आवेदन आने की संभावना भी बताई जा रही है। सपा के पास 5 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 2 महिला आवेदकों का नाम काफ़ी मजबूती से माना जा रहा है। संभावना है कि पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी अपने आवेदन कर सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लिए जिस तरह से एकमुश्त जो है कि सम्मान देने का कार्य किया, आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से दलित वोटरों पर, गैर जाट और दलित वोटरों पर काफी फोकस किए, जिस तरह से 18 विधायक इस समय 2022 चुनाव में जीते हैं दलित समाज के, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी में जिस तरह से जगह दी है, सम्मान दिया, पद दिया, पूरा समीकरण चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।